आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। और जैसे कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष में आज कार्यकर्ताओं ने एक आयोजन किया है जिसमें कंबल वितरण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारी प्राइम टीवी की टीम भी पहुंची है और सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और वहां कोयरी समुदाय से है, कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनका जन्मदिन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और एक दिन पहले कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन मनाया जा रहा है जिसके उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है। गरीबों को, जरूरतमंदों को कंबल बांटने का जो ये कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत अभी कुछ ही देर में होगी। हमारी प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंच चुकी है जिसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। तो समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है, किसी भी कार्यकर्ता या फिर जितने भी चाहने वाले लोग होते हैं वो अपने मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का जो जन्मदिन होता है उसको काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है जहां ये कार्यक्रम संध्या तक चलेगा। ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है खासतौर से जरूरतमंदों की मदद के लिए। जहां एक तरफ चुनाव है और चुनाव को देखते हुए अच्छे काम तो किए जा ही रहे हैं, वहीं जन्मदिन का मौका है तो इसे भी खास बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन है, ये कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ ही इनके कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इन्हें काफी पसंद करते हैं और इसी को देखते हुए ये आयोजन भी किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कई लोग मौजूद हैं और प्राइम टीवी की टीम भी मौजूद है जो आपको पूरी अपडेट देगी। तो उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश की पडरौना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। वो कोयरी समुदाय से है, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं और श्रम विभाग, सेवा योजन, शहरी रोजगार एवं गरीब उन्मूलन विभागों के मंत्री भी हैं और उनके काम लोगों को काफी पसंद आते हैं। तो विधानसभा से जीत भी चुके हैं और इस बार भी विधानसभा से जीतने की पूरी कोशिश में है और जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है और जन्मदिन के कार्यक्रम में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने जो काम करे हैं उससे जनता काफी खुश है और काफी प्यार भी मिल रहा है और आने वाले चुनावों में भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा कार्यकाल रहा है, इन्होंने राजनीति में अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। और बात करें जन्मदिन की तो इनका जन्म 2 जनवरी 1954 को हुआ था, यानी कि 67 साल के पूरे हो चुके हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। तो काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है जन्मदिन, काफी तैयारियां की गई हैं कार्यकर्ताओं द्वारा। कैबिनेट मंत्री हैं और एक अहम जिम्मेदारी होती है कैबिनेट मंत्री की और उसको पूरी निष्ठा के साथ जिस तरह से निभाते हुए नजर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जनता के द्वारा काफी प्यार भी मिलता है। और आज ये जो खास आयोजन किया गया है इसमें कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ भी देखने को मिली है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज वितरण करेंगे कंबल का गरीबों के बीच, गरीबों को। आपको बता दें कि जन्मदिन के एक दिन पहले ही काशीराम कॉलोनी फेज 2 में पंडित खेड़ा कृष्णा नगर में ये आयोजन किया जा रहा है जहां विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। तो
सभी जन्मदिन की बधाई और शुभकामना देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज 1 जनवरी है, यानी कि नववर्ष का पहला दिन है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं, कई बड़े नेता भी मौजूद हैं और नववर्ष की शुभकामना भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को संबोधित भी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो मौर्य समुदाय से आते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक भी है इनका और अपनी विधानसभा से जीत भी चुके हैं कई बार, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीतने की पूरी तैयारी है। और जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और कल इनका जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले ये जो तैयारी की गई है आप देख सकते हैं, मंच पे सभी मौजूद हैं, कई नेता मौजूद है बीजेपी के और साथ ही कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जनता का प्यार देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, जिस तरह से जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आज दोनों ही कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। नववर्ष की शुभकामना जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जनता को देते हुए नजर आएंगे, वहीं जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य को नजर आएगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गरीबों को कंबल वितरण किया जाएगा। सर्दी का माहौल है और ऐसे में जरूरतमंदों को कंबल का विशाल वितरण का आयोजन किया गया है। अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं कार्यकर्ता, जब भी किसी जनप्रतिनिधि का जन्मदिन होता है इसे खास बनाने के लिए रक्तदान या फिर विशाल कंबल वितरण आयोजन करना, इस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो जन्मदिन पर कंबल बांटे जाएंगे, जरूरतमंदों को बुलाया गया है और जनता का प्यार भी देखने को मिल रहा है कैबिनेट मंत्री के प्रति। प्राइम टीवी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कल जन्मदिन है, उससे पहले यह आयोजन किया गया है नववर्ष की शुभकामना देने के लिए। जनता के बीच मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और भीड़ बता रही है कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं। और अब सीधे आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और जितना बार फ्रेम देखने को मिल रहा है, जो विकास कार्य किए गए हैं उसको देखते हुए जनता काफी खुश भी नजर आ रही है और जनता की भीड़ बता रही है कि कितना बार फ्रेम मिला है और आने वाले समय में भी किस तरह से उनको जनता का साथ मिलेगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जन्मदिन से पहले ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी काफी अहम है, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पे भी मिलेगा। जनता का प्यार, जनता का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, ये काफी अहम होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। तो कार्यकर्ताओं के द्वारा ये खास आयोजन किया गया है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन है और इससे पहले ही ये आयोजन किया गया है। हेलो, मैं बधाई देता हूँ
उसमें भी आपकी तारीफ का
तो जनता को संबोधित किया और बताया कि कैसे विधानसभा में विकास किया जाएगा और कैसे लोगों को सहायता दी जाएगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।